हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज अभी निकल रहे हैं ट्रिप में। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, तो अभी कस्टमर को पिकअप करना है वस्त्राल से, वस्त्राल से लेके जाना है काकरिया। उसके बाद कहाँ जाना पता नहीं, बट अभी फिलहाल वस्त्राल के लिए निकल रहा हूँ। फाइनली गाइस, एर्टिगा गाड़ी की ट्रिप है, इसलिए अभी फिलहाल एर्टिगा लेके निकल रहे हैं। फाइनली गाइस, पहुंच गए कस्टमर के वहां पे, श्रीधर स्पर्श में से कस्टमर को रिसीव करना है। तो अभी फिलहाल कस्टमर आए नहीं है, उन्होंने बोला 5 मिनट में जस्ट पहुंच ही रहा हूँ। तो गाइस, श्रीधर उपवन में से लेना था, वो रॉन्ग एड्रेस था, तो अभी जस्ट सही एड्रेस पे पहुंच गया हूँ फिलहाल। तो ये फ्लैट में से उनको रिसीव करना है। गाइस, हमारे कस्टमर आ गए हैं और अभी इनको होटल ड्रॉप करने जाना है, उसके बाद क्या करिए निकलना है। तो गाइस, जो हमारे कस्टमर थे उनके एक मेहमान है, वो होटल पुरोहित वस्त्राल में रुके हुए हैं, तो इनको थोड़ी देर बाद रिसीव करने आना है। फाइनली गाइस, डेस्टिनेशन पे हम पहुंच गए हैं। काकरिया के पास है ये कोई वाड़ी है, यहाँ पे हम पहुंच गए, लोहाड़ा मजन्नी वाड़ी। तो जस्ट यहाँ पे ही ड्रॉप करना था, अब इसके बाद वापस वस्त्राल इनको रिसीव करने जाना है, इनके मेहमान को। तो गाइस, जो कस्टमर को मैं लेके आया हूँ, उनका कुछ जनेऊ का प्रोग्राम है, तो अभी जनेऊ धारण हो चुका है। 3 लोगों का जनेऊ था, तो आपको दिख रहा होगा, तो गेस्ट बहुत सारे आए हुए हैं। फाइनली गाइस, दोपहर का लंच हो चुका है और अभी मैं फिलहाल एग्जिट हो रहा हूँ यहाँ से। तो देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है मेरे पीछे, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो गाइस, जनेऊ में इन लोगों का ये गिफ्ट आया है, कुछ पैसे की मालाएं हैं। तो गाइस, आप यदि काकरिया आए हो तो आपको इधर हॉल के बाजू में वेद मंदिर भी आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पे आप वेद मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस, शाम के 6 से ज़्यादा हो रहे हैं, 6:15 हो रहे हैं, बट अभी तक कस्टमर का कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं कब घर पे जाएंगे वो लोग। मैं तो बहुत कंटाल गया हूँ आज इतना देर वेट कर करके, क्योंकि गाड़ी चलानी नहीं थी, गाड़ी तो एक ही जगह खड़ी है, बट इतना वेट करना पड़ रहा है इसकी वजह से। फाइनली गाइस, नाइट हो चुका है, बट अभी तक कस्टमर का कोई ठिकाना नहीं है, अभी तक सब कस्टमर अपने अपने काम में बिजी है। अभी नाइट का खाना भी अलग से है, तो अभी हम लोग भी नाइट का खाना डिनर करके जस्ट निकलेंगे।